और दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं सब्ज़ी मंडी जब गया था तो क्या मैं ख़रीदा हूँ, नेनुआ ख़रीदा हूँ मैं, और लौकी ख़रीदा हूँ, और उसके बाद ये जो है से बैंगन है, और धनिया के पत्ता मैं ख़रीद कर लाया हूँ। और दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने बाज़ार में जब गया सब्ज़ी मंडी, तो वो बहुत सारे लोग ऐसे जो व्यक्ति थे एक दूसरे को शरीर में टच कर रहे थे और धक्का दे रहे थे, जानबूझ कर धक्का दे रहे थे। तो देखिए ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपने सोशल डिस्टेंस अपनाया ही नहीं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी आज आए हुए थे 11 बजे सुबह में, जो लोगों को बताएं कि सोशल डिस्टेंस बनाना बहुत ही ज़रूरी है, और साथ में आप जब भी बाहर निकलते हैं तो ये मास्क लेकर ही बाहर निकले, नहीं तो बहुत ही आपको समस्या हो सकता है। और उसके बाद आप डिस्टेंस बना कर रखिए। और बहुत सारे लोग सब्ज़ी मंडी में कर रहे थे कि यहाँ सब्ज़ी मंडी है, अब यहाँ से हाई स्कूल जाने वाला है, तो जब हाई स्कूल जाता है सब्ज़ी मंडी वहाँ पर, तो वहाँ पर भी जब मंडी लगती है तो अलग अलग और दूर दूर पर लगाना मेरे दोस्त, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते ही नहीं है कि सोशल डिस्टेंस है क्या। और लोग जानते भी हैं तो जानबूझकर ये गलती करते हैं। जो मुझसे गलती होगी क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं यह वीडियो बहुत पहले ही दिखाने वाला था, मगर मैं सोचा कि मैं घर से बाहर जल्दी निकलता नहीं, और जाता भी तो जल्दी से मैं आ जाता हूँ, तो आज मैं सोचा कि वीडियो अपलोड मैं कर ही देता हूँ, और आज मैं वीडियो बना लेता हूँ। जब मार्केट में मैं जब निकलता हूँ, अब वीडियो जब जैसे ही बनाने के लिए सोचता हूँ, तो वैसे ही बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं मेरा वीडियो मत लो, तो मेरा वीडियो के बारे में मेरा वीडियो मत लो, और मुझे लोग क्या कहेंगे क्या नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग हैं कि मेरे कैमरे से छिप कर मेरे कैमरे से हट जाते हैं, भाग जाते हैं। और मैंने इसलिए यह जो वीडियो लिया हूँ तो मैं सब्जी मंडी में पूरे वीडियो को खुलेआम नहीं लिया हूँ, मैं धीरे धीरे करके लिया हूँ, क्लिप करके कर छोटा छोटा लिया हूँ, और उसको बाद हम एडिटिंग कर दिए हैं। तो देखो दोस्तों आप ऐसा गलती काम मत करना यार, जब भी मैं मार्केट में जाओ तो बिल्कुल डिस्टेंस बना कर रखो, और जब हाई स्कूल जाता है तो वहाँ पर भी आप डिस्टेंस से बना कर रखें, वहाँ का मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड अभी जो हम लोग आ चुके हैं सब्जी मंडी में, और सब्जी मंडी जो है से आपको मैं कुछ वीडियो में आपको आगे दिखा रहा हूँ इस तरह से। तो फ्रेंड यहाँ पर सोशल डिस्टेंस को धजिया उड़ा के रखे हैं लोग, मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ कि सोशल डिस्टेंस कुछ है ही नहीं। यहाँ पर हम जब सब्ज़ी लेने आए हुए हैं तो जल्दी से हम जाते हैं, यहाँ पर ज़्यादा हम वीडियो आपको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि बना के मुझे घरों में जाना है जल्दी से, और यहाँ सोशल डिस्टेंस तो किया ही नहीं जा रहा है। तो हम आगे आपको घर पर कुछ बातें आपको बताएंगे, तो चलते हैं। तो फ्रेंड जो सबसे ज़्यादा अगर भीड़ है तो गांव से जो आ रहे हैं उनके पास सब्ज़ी के पास भीड़ है, और जो अंदर मार्केट में सब्ज़ी है वहाँ पर एक ठो भीड़ नहीं है। भीड़ आपके पास नहीं है ना, आपके पास कोई लेने नहीं आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहे हैं। तो अंदर जो मार्केट है यहाँ पर ही देखिए, सोशल डिस्टेंस तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर अंदर मार्केट में कोई आ ही नहीं रहे हैं, सच्चाई यही है, और रोड पर बहुत सारे लोग हैं। तो फ्रेंड आप जब भी अगर मार्केट में जाते हैं, और जैसे कि ये सब्ज़ी बेचने वाला है और दूसरा जो व्यक्ति है सब्ज़ी लेने वाला है, तो जब भी सब्ज़ी अगर लेते हैं तो इतना कम से कम डिस्टेंस आपको बना कर रखना है। और साथ में अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लेते हैं कि ये व्यक्ति सब्ज़ी ले रहा है और उसी बीच अगर हम सब्ज़ी लेने के लिए आ जाते हैं, तो कभी भी इस तरह से धक्का मारकर नहीं पार होना है और नहीं सब्ज़ी लेना है, क्योंकि यह सोशल डिस्टेंस नहीं हुआ, आप सोशल डिस्टेंस को धजिया उड़ा रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब ये व्यक्ति यहाँ पर सब्ज़ी ले रहा है तो आप भी यहाँ पर बैठकर या खड़ा होकर आप सब्ज़ी खरीद सकते हैं, साथ में मत लेना है, आपको लेना ही नहीं, ख़रीदना नहीं, डिस्टेंस आपको बना कर रखना है। तो यह